कवि कालिदास सांस्कृतिक महोत्सव की शुरुआत भव्य रूप से शहर के सुरेश भट्ट सभागृह में हुआ। इस महोत्सव के पहले दिन शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत के साथ कवि कालिदास द्वारा रचित विक्रमोर्वशीयम नाटक पर आधारित नृत्य की प्रस्तुति की गई। ऑरेंज सिटी की पहचान बन चुके कवि कालिदास सांस्कृतिक महोत्सव की रविवार को महाकवि सुरेश भट्ट सभागृह रेशिमबाग में भव्य शुरुआत हुई। इस 3 दिवसीय समारोह की संकल्पना इस बार कवि कालिदास के नाटक विक्रमोर्वशीयम पर आधारित है। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत, महापौर संदीप जोशी, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर गिरीश गांधी, विभागीय आयुक्त डॉक्टर संजय कुमार और जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे के हाथों दीप प्रज्वलन कर महोत्सव का शुभारंभ हुआ। नितिन राउत और महापौर जोशी ने इस महोत्सव के लिए सभी को बताई थी। उपायुक्त सुधाकर तेलंग ने प्रस्तावना रखी। कार्यक्रम का मंच संचालन रेणुका देशकर और शिल्पा शेरगांवकर ने किया। कार्यक्रम में संस्कार भारती नागपुर के अध्यक्ष कांचन गडकरी और पूर्व सांसद विलास मुत्तिमवार प्रमुख रूप से उपस्थित थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ नागपुर की प्रतिभाशाली गायिका सुकीर्ति उइके के गायन से हुआ। गणेश वंदना से सुकीर्ति ने गायन आरंभ किया। इसके बाद उन्होंने पुरिया धनश्री राग में बंदिश पायलिया झनकाय तराना और ठुमरी याद पिया की आय प्रस्तुत की। गायन में हारमोनियम पर श्रीकांत पिसे, तबले पर रमेश उइके और तानपुरा में शर्वरी नायक ने साथ दिया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ नितिन शेगांवकर की रिपोर्ट।